डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय कोड 102 के यूनिट नंबर 3 इलास्टिसिटी में कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जिन टॉपिक्स को आज हम इस लेक्चर में दिख रहे हैं वो ये होंगे, प्रत्यास्थता, व्हाट इज इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या है, विकृति, विकृति के प्रकार एवं प्रतिबल स्ट्रेस। प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर से बाहरी बल हटा लेने पर वस्तु अपने प्रारंभिक आकार एवं आकृति को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेती है। हम जानते हैं यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार और आकृति या दोनों में परिवर्तन हो सकता है। यदि उस बाहरी बल को हम हटा लें, ऐसा करने पर वस्तु यदि वापस अपने प्रारंभिक आकार एवं आकृति को पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले, अर्थात ओरिजिनल साइज एंड शेप को वापस से रीगेन कर ले, तो ऐसी वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु या इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं तथा वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी कहलाती है। अर्थात प्रत्यास्थ वस्तु जो होगी उस पर अगर अपन बल लगाएंगे, बल को जब हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो वापस ओरिजिनल साइज एंड शेप में टोटली आ जाएगा। जिन वस्तुओं पर बाहरी बल हटा लेने पर भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था में पुनः नहीं लौट पाती है, ऐसी वस्तु को प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ हमारे पास नहीं है जिसको हम यह कह सकते हैं कि वह पूर्णतया प्रत्यास्थ है। विकृति, जैसा कि हम जानते हैं कि बल लगाने पर वस्तु के आकार या रूप में परिवर्तन होता है। वस्तु के आकार या रूप में इस प्रकार होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। जो प्रोपोर्शनल चेंज उसमें होगा उसको हम स्ट्रेन अर्थात विकृति कहेंगे। विकृति का विमी सूत्र m0l0t0 होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, अर्थात ये विमाहीन डायमेंशनलेस एवं मात्रकहीन यूनिटलेस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आगे हम देखेंगे कि विकृति जो है वो दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई विमी सूत्र भी नहीं होगा, ना ही कोई इसका मात्रक होगा। विकृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तीन तरह की विकृतियों की हम बात करेंगे, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विकृति अर्थात लॉन्गिट्यूडनल एवं लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आयतन विकृति और शीयर स्ट्रेन अर्थात अपरूपण विकृति। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ विकृति की। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और ऐसा करने से बल की दिशा में ही लंबाई में परिवर्तन हो, और ऐसी स्थिति में लंबाई में हुए परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होगा उसे हम अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में फोर्स की डायरेक्शन में ही जो लेंथ में चेंज आएगा और जो उस डायरेक्शन में ओरिजिनल लेंथ होगी, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। लेटरल स्ट्रेन अनुप्रस्थ विकृति, बल के कारण बल की दिशा के लंबवत दिशा में लंबाई में हुआ परिवर्तन और उस दिशा में जो प्रारंभिक लंबाई है उनके अनुपात को हम अनुप्रस्थ विकृति अर्थात लैटरल स्ट्रेन कहेंगे। दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, दोनों ही विकृतियों में लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में जहाँ फोर्स की डायरेक्शन में ही लेंथ में चेंज की बात कर रहे हैं, वहीं पर लेटरल स्ट्रेन अर्थात अनुप्रस्थ विकृति में हम बात करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ में चेंज की हम बात करें।
तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, यदि हम किसी तार की बात करें, उस तार पर हम एक बल जो है उसकी लंबाई की दिशा में लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में लंबाई में जो परिवर्तन है उसको हमने डेल्टा एल से प्रदर्शित करना है और तार की जो प्रारंभिक लंबाई है उसको स्मॉल एल से व्यक्त करें, तो ऐसी स्थिति में अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है वो डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं डेल्टा एल लंबाई में हुआ परिवर्तन, स्मॉल एल प्रारंभिक लंबाई, दोनों समान राशियाँ हैं, समान प्रकार की राशियाँ हैं, अतः इनका अनुपात जो है वो देख सकते हैं वो मात्रकहीन और विमाहीन होगा, डायमेंशनलेस होगा। इसी प्रकार से लैटरल स्ट्रेन की बात करें, जैसे मैंने तार का एग्जाम्पल लिया है, इसी तार के केस में हमने बल लगाया है लंबाई की दिशा में, ऐसी स्थिति में बल की लंबवत दिशा में तार की त्रिज्या या तार का व्यास डायमीटर, ऐसी स्थिति में इनमें अगर जो चेंज आता है तो वो चेंज लैटरल स्ट्रेन को अनुप्रस्थ विकृति को प्रदर्शित करेगा। हम ये कहेंगे कि ऐसी स्थिति में बल की दिशा के लंबवत दिशा में तार की त्रिज्या है, तार का व्यास है, तो तार के व्यास में हुआ परिवर्तन और प्रारंभिक व्यास का अनुपात, या तार की त्रिज्या में हुआ परिवर्तन और प्रारंभिक त्रिज्या का अनुपात जो है वो अनुप्रस्थ विकृति लैटरल स्ट्रेन कहलाएगी। आयतन विकृति वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बाह्य बल के कारण वस्तु के आयतन में हुआ परिवर्तन और उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम आयतन विकृति कहेंगे। आयतन विकृति के लिए हमारा सूत्र रहेगा आयतन में हुआ परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन। ये एक चित्र आपको बताया गया है, इस चित्र में देखिए आप, ये क्यूब है हमारे पास और इस क्यूब पर सभी डायरेक्शन में फोर्स जो है वो लगाए गए हैं, ये सारे फोर्स सतह के लंबवत हैं। वस्तु का प्रारंभिक आयतन V1 है, बल लगाने से वस्तु के आयतन जो है वो परिवर्तित होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, माना कि फाइनल वॉल्यूम V2। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतन विकृति होगी, आयतन में हुआ परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन, आयतन में परिवर्तन कितना होगा आप देख सकते हैं V1 माइनस V2, प्रारंभिक आयतन इनिशियल वॉल्यूम V1। तो इस प्रकार से आयतन विकृति जो होगी वो होगी V1 माइनस V2 अपॉन V1, या इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि डेल्टा V अपॉन V। यदि V हमने प्रारंभिक आयतन ले लिया, आयतन में हुआ परिवर्तन डेल्टा V कहा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उस केस में हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V। अपरूपण विकृति शियर स्ट्रेन, जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के समानांतर हम विरूपक बल लगाएं, तो ऐसा करने से यदि उसका आयतन स्थिर रहे लेकिन उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, तो वस्तु में इस प्रकार से जो विकृति उत्पन्न होगी उसे अपरूपण विकृति या शियर स्ट्रेन कहेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र में ये जो क्यूब है हमारा, ये क्यूब है, इस क्यूब पर का ये जो फेस है, इस फेस को हमने स्थिर रखा है, और ये जो फेस है हमारा, यहाँ पर एक बल जैसा यहाँ बताया गया है FP, ये लगाया गया है। ऐसा करने से जो क्यूब है हमारा, इसकी शेप चेंज हो रही है, और ये देखिए आप, अब ये क्यूब की शेप जो है नई शेप यहाँ बताई गई है। हम ये कह सकते हैं कि ये क्यूब का जो शेप है ये चेंज हुआ है, ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो फेस है हमारा, ये थीटा एंगल से टिल्ट हुआ है। ऐसी स्थिति में जो अपरूपण विकृति होगी उसे हम शियर स्ट्रेन अर्थात थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे, और थीटा होगा डेल्टा एक्स अपॉन एच। हम यहाँ देखें, अपरूपण विकृति वस्तु के स्थिर तल के लंबवत जो पृष्ठ है उसके विचलन कोण से दर्शाया गया है। ये देखिए आप, ये स्थिर तल था हमारा, ये लंबवत पृष्ठ है, इसका विचलन डेल्टा एक्स इधर है, रेखीय विचलन है, कोणीय विचलन की बात कर लें तो थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन ये हाइट,
ये हाइट आपकी एच है। इस प्रकार से अपन देखेंगे कि अपरूपण विकृति जो है वह होगी थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन ये एच। अब हम बात करते हैं प्रतिबल की, स्ट्रेस। हमने वस्तु पर बल लगाया, बल लगाने से वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन हुआ। वस्तु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका वस्तु अपने आप विरोध करती है, अपोज उसको करती है, जो भी चेंजेज उसमें आ रहे हैं उसको। और वस्तु में ऑटोमेटिक इंटरनल रिएक्टिव फोर्स, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे जैसे वस्तु में विकृति बढ़ती जाती है ये प्रत्यानयन बल या आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल का मान भी बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर ये आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल और या प्रत्यानयन बल कह दीजिए, इनका मान जो बाह्य बल है उसके बराबर हो जाता है। जब ये दोनों प्रत्यानयन बल और बाहरी बल बराबर हो जाते हैं तो वस्तु साम्यावस्था की स्थिति में आ जाती है। अब वस्तु में और आगे विकृति उत्पन्न नहीं होगी। हम ये कहेंगे कि साम्यावस्था की स्थिति में विकृति के कारण पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल या प्रत्यानयन बल ही प्रतिबल कहलाता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल या प्रत्यानयन बल का मान साम्यावस्था की स्थिति में बराबर बराबर होता है। इसलिए हम प्रतिबल को लिख रहे हैं F अपॉन A। यहाँ पर F जो है बाहरी बल है, लेकिन साम्यावस्था की स्थिति में प्रत्यानयन बल और बाहरी बल बराबर है। और A हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वस्तु का माना है। A क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल F डैश या F है। इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर ये बल हो जाएगा F अपॉन A। इसलिए प्रतिबल का जो सूत्र होगा हमारा वो रहेगा F अपॉन A या F डैश अपॉन A। साम्यावस्था स्थिति में दोनों बल बराबर बराबर है। अब हम इसके मात्रक की बात कर सकते हैं और विमीय सूत्र की बात कर सकते हैं। तो प्रतिबल, क्योंकि F अपॉन A, F बल है, A क्षेत्रफल है, बल का विमीय सूत्र है हमारे पास M1 L1 T-2। A क्षेत्रफल, विमीय सूत्र L2। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस प्रकार से प्रतिबल का विमीय सूत्र होगा M1 L-1 T-2। और इसी प्रकार से प्रतिबल के SI मात्रक की बात कर सकते हैं। देखिए प्रतिबल का सूत्र है F अपॉन A, F का SI मात्रक न्यूटन, F का SI मात्रक न्यूटन, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर, अतः प्रतिबल का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, अर्थात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आज हमने प्रत्यास्थता, विकृति, विकृति के प्रकार एवं प्रतिबल के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।